आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था मास और वेट के बारे में। तो वेट होता है m इंटू जी, और यहाँ पे जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ ओवल शेप में है, यानी कि अंडे की आकार में है, वो पूरा गोल नहीं है। तो पिछले एपिसोड में हमें एक इक्वेशन मिलती है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। यहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि जी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर आर इंक्रीज होगा तो जी क्या होगा? डिक्रीज। जैसा आप देख सकते हैं कि अर्थ ओवल शेप की होती है। अगर इसे हम सेंटर माने और ये पोल्स, तो सेंटर से पोल की तरफ डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस यानी आर। अगर आर कम है तो जी ज़्यादा, क्योंकि आर और जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पोल्स पे वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वेट होता है मास इंटू जी। मास तो चेंज होता ही नहीं है, पर जी इंक्रीज हो रहा है तो वेट भी क्या होगा? इंक्रीज। तो पोल्स पे वेट इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें इक्वेटर साइड की, तो ये डिस्टेंस सेंटर से इक्वेटर की ओर डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा यानी कि जी कम, जी कम, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो वेट क्या होगा? कम। तो वेट इक्वेटर साइड में क्या होता है? कम। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे वेट कांस्टेंट नहीं रहता, पोल्स पे वेट बढ़ जाता है और इक्वेटर पे वेट कम हो जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये कुछ ग्राम्स का ही डिफरेंस होता है पोल्स और इक्वेटर पे वेट का। तो अब बात करते हैं चांद की। हमारा वेट जितना भी अर्थ पे है उसका 1/6 हो जाता है चांद पे। तो तुम मान लो कि तुम्हारा वेट 60 किलो है अर्थ पे, तो तुम्हारा वेट 1/6 हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय 6 चांद पे। तो तुम्हारा वेट चांद पे 10 किलो हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, WM, W यानी वेट, M यानी ऑन द मून, इज इक्वल टू 1/6 WE, W यानी कि वेट और E यानी कि ऑन द अर्थ। तो हम इसके अंदर वैल्यू डाल के हम वेट निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अब बात करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर की। तो थ्रस्ट एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है, वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो थ्रस्ट क्या हुआ? थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम एक पिन लगा रहे हो सॉफ्ट बोर्ड पे। तो ये पिन है यानी कि ऑब्जेक्ट, और ये सॉफ्ट बोर्ड का सरफेस है। तो तुम फोर्स ऐसे लगाओगे पिन के ऊपर, तो तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और सरफेस कुछ इस तरह है। तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे थ्रस्ट, कि तुम थ्रस्ट लगा रहे हो। तो थ्रस्ट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि ये एक फोर्स है। तो हो गया थ्रस्ट। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, और इसे हम पीए भी लिखते हैं। तो हमने देखा होगा कि स्कूल बैग की स्ट्राइप्स मोटी होती है, तो वो मोटी क्यों होती होगी, कभी सोचा है? तो वो मोटी इसलिए होती है क्योंकि एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उस केस में एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ा यानी प्रेशर क्या होगा? कम। तो हमारे कंधों पे प्रेशर कम लगता है, इसी वजह से स्कूल बैग की स्ट्राइप्स मोटी होती है। तो अब बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूड्स। फ्लूड्स यानी जो फ्लो हो सकते हैं उन्हें हम फ्लूड्स कहते हैं। तो पानी और हवा फ्लो हो सकते हैं तो वो फ्लूड्स होते हैं। तो अगर हम हवा एक गुब्बारे में भरते हैं
तो वो हवा उस गुब्बारे की सारी वॉल्स पे फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। और हम पानी को एक बाल्टी में डालते हैं तो वो पानी उस बाल्टी की सारी वॉल्स पे प्रेशर लगाता है। तो बस इतना ही था प्रेशर इन फ्लूड्स में, कि फ्लूड्स जिस कंटेनर में स्टोर हुए होते हैं उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं। तो इस एपिसोड में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब और अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो जल्दी आ जाओ ना।